हेलो। अरे अरे पागल क्या हुई ले अरे क्या हुआ? दादी भी आई है उधर, मिलोगी नहीं? आज हम एक व्लॉग के ऊपर रिएक्शन देने वाले काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग है। ये व्लॉग है अलीजा जमाली और आयुष का। आयुष एक नेपाली लड़का है और अलीजा जमाली जो एक पाकिस्तानी लड़की है जो कि दुबई में रहती है, और इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी है। अब आयुष जो है वो नेपाल से दुबई जा रहे अलीजा से मिलने के लिए ईद के मौके के ऊपर। तो चलिए देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि ईद पे ये लोग किस तरीके से इंजॉय करते हैं और ये कैसा सरप्राइज देता है उसको। क्या अलीजा जमाली आयुष के आने पे खुश होती है या नहीं होती? तो आइए आज के व्लॉग देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। पता नहीं कब पहुंचेंगे यार, कसम से। पहले बेटिन चला मोटी लाजमा। Right now in front of your gate, can you come out? Now. Hello. अरे पागल। अब किधर कमल? So hello, अरे कैसा था मेरा सदर काल खरो अब सोच रहा संजय उनसरा। Welcome to our new day, new vlog. So guys, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आयुष मतलब यार शाम की टाइम है या सुबह की टाइम है? तो ये हाँ जी बिल्कुल ये शाम की टाइम है, सुबह की टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी शाम की बज रही है ऐसे कुछ 5:45 और आज है 9 अप्रैल। तो ये ब्लॉग थोड़ी सी लेट होगी और मैंने Q&A की वीडियो इससे भी आगे डाल दिया हूँ ताकि आप लोग को पता ना चले कि मैं दुबई जा रहा हूँ। बिल्कुल सही सुना आप लोग ने कि मैं दुबई जा रहा हूँ। अभी आज सुबह सुबह ही मैंने टिकट लिया हूँ, ठीक है, दुबई की। और मैं बस अकेले नहीं जा रहा हूँ, साथ में दादी को भी लेके जा रहा हूँ। और गाइज मैंने बहुत पहले ही प्लान किया था कि मैं दुबई जाऊँगा, ठीक है, और बीच में कुछ काम आने की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया था। और अलीजे को भी मैंने बता दिया था कि अलीजे मोटू मैं नहीं आ पाऊँगा इस बार, ठीक है, ऐसे ऐसे काम है अपनी, तो फिर से मतलब ऐसे ही सब कुछ बिगड़ जाएगी। तो आप लोग सोचते होंगे कि यार क्या काम होगी इधर उधर की। तो आप लोग बस मुझे सोशल मीडिया में ज़्यादा देखते हैं तो इसलिए सोचते होंगे कि सोशल मीडिया में तो इसकी कुछ दिखती नहीं इधर उधर। तो गाइस बस सोशल मीडिया की काम नहीं होती इंसान की, ठीक है, कुछ घर की भी काम होती है, अंदर की भी कुछ पर्सनल काम होती रहती है इंसानों की। तो चलो छोड़ो इस बात को अभी, ठीक है, आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया हूँ सब कुछ। तो अलीजे को भी मैंने बता दिया कि नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं आज के आज ही सुबह सुबह मैंने टिकट लेके, तो अभी शाम के 11 बजे की हमारी फ्लाइट है, 11:15 की दुबई की, फ्रॉम नेपाल टू दुबई। सो अब क्या करें, आप लोग निराश हो और मुझसे दिखाई नहीं जाती और मोटू भी उधर वेटिंग में। मेरी यादों में कितना मतलब 100 टिकटक बना के डाल दी कल से, क्या करें, मेरी चांद नहीं आई है बोल बोल के। तो जाना पड़ेगी ना, चांद इधर अब रेडी वेडी हो रहा है, ठीक है, बाल बाल थोड़ा सा ट्रिम कर लिया हूँ मैंने, इसलिए थोड़ी अजीब लग रही है क्योंकि मैं अभी ऊपर किया हूँ ना, तो इसलिए। चलो गाइज नीचे जाते हैं, आप जल्दी जल्दी से सामान वान पैक करते हैं। मैंने पैक ही नहीं किया हूँ अभी यार, शाम की मतलब यार 5-6 बजने वाली यार, और अभी तक पैक भी नहीं किया हूँ। और मोटू की जो सामान वान खरीदी थी वो भी अब मैं ही लेके जाऊँगा सरप्राइज, वो ईदी की गिफ्ट्स। एंड दादी ने तो पैकिंग कर ली, अब मैं भी पैकिंग करते, चलो पैकिंग करनी। सो गाइज कुसुम द कुंवर नर्स जी इज हियर, और मेरी सूटकेस ये रही, और ये बड़ा वाला सूटकेस लेके जा रहा हूँ, और वो रही अलजी और वासिल की सबकी सामान ईदी की। तो पहले मैं अलजी लोगों की ईदी सब हमारी उधर दुबई की फैमिली की ईदी पहले मैं डालूंगा अंदर इसमें। तो उसके बाद मेरी कपड़े बस थोड़ी लेके जाऊंगा, इतना ज़्यादा नहीं लूंगा क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे ना उधर, तो इसीलिए बस थोड़ी कपड़े मेरी डालूंगा। सो गाइज हमारे पैकिंग सब भइसकेको छ यता है, अनि म पनि पुरै रेडी भइसकेको छु। खैदन हजुर पैकिंग हमारी पैकिंग सब कुछ हो चुकी है, ठीक है, और मैं भी हो गया हूँ रेडी फाइनली, पैंट वैंट पहना हूँ मस्त, नीचे बूट वूट पहन के जा रहा हूँ लाहौर, मजा कर रहा हूँ। चलो गाइज अब जल्दी जल्दी से पैकिंग वैकिंग करके ख़त्म करूँगा अच्छे से, तो उसके बाद आपको मिलता हूँ। पहचान में आ रहा हूँ मैं, हाँ चीनी रहा छोड़ा वहाँ है ना भाई, चीनी रहा छोड़ा चिंजा चिंजा। अरे गाइस अभी मैं तो इतना हुलिया कर लिया फिर भी मुझे पहचान लेंगे बोल रहे इधर लोग सब। अब घर वाले तो अच्छे से मतलब मुझे देखते हैं ना, तो इसीलिए होंगे, पर यार नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं अभी पहचान में आऊँगा अब। तो चलो गाइस मेरी हो गई है सब कुछ, अब अंकल लोग गाड़ी लेके आने वाली है, तो हम गाड़ी में अब सामान वाम डाल के सीधा एयरपोर्ट और उसके बाद दुबई। पहचान लेते यार हमारे आयुष जनता मतलब हर जगह हाजिर होते ना, तो अपनी मतलब सेंस लगा लेंगे कि हाँ ये छुपके जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये ऐसे छुपके ही जा रहा है, तो ऐसे करके चलो
दुबई में जा रहा है चोर अलीजे को चुराने। सो गाइस यार मेरे जल्दबाजी में मतलब अपनी मैकबुक ही रखने भूल गया था, तो मैक को इसको मतलब ये वासी के बैग में लेके जाऊंगा। कसम से अगर ये नहीं लेगा तो आप लोग को देखने को क्या मिलता है यार, कैसे मैं एडिट करता। अरे रे गाइस हमारी पैकिंग इतना बड़ा सूटकेस यार, इसमें सब मेरी कपड़े से ज्यादा मोटू लोगों के कपड़े इसके अंदर। तो गाइस चलो हो गई, अब हमारी गाड़ी आ रही है, ठीक है जल्द जल्द से गाड़ी में जाते चलो। सो गाइस हमारे आंटी अंकल भी आइसक्रम छ, दर्शन अंकल दर्शन। सो हमारे तो सान जाते गाइस, ओके जा रहे हैं, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो सीधा। चलो हो गई ठीक है, बंद कर दे डन। तो गाइस हम निकल रहे ठीक है घर से, और अभिषेक मामा आंटी हजुमा इधर से, हजुमा अनि अल मामा अनि हाम्रो यता अंकल हुन्छ। सो अब सीधा एयरपोर्ट जाके आप लोग को मिलेंगे। तो गाइस फाइनली हामी एयरपोर्ट पुगिसकेको छ है, फर्स्ट गए और मामा इधर सामान निकल दिए। हजुमा कन फास्ट 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 ल आंटी हस बाय बाय अंकल ल बाय बाय दर्शन ल। ये देखो गाइस यार इतना प्याक यार कसम से यार देखो, अरे अरे हमारी हजुरमा विद मॉडर्न ड्रेस, आ मॉडर्न ड्रेस में आज तक दादी तो पूरा। तो हमला देता अनि माले बिदाई गरि सक्नुको खाता लगाएर है यता। सो गाइस फाइनली हामी मिल गई बोर्डिंग पास, हजुरमा यता हुन्छ 2 घण्टा है टोटल। सो गाइस भखरी इमिग्रेसन दिखाएर भित्रबाट, सो डाइरेक्ट गाडीमा अब हामी जान्छौ आफ्नो फ्लाइटमा। सो सीधा फ्लाइट में जाके आप लोग मिलेंगे। तो गाइस फाइनली दादी और मैं भी फ्लाइट में आके बैठ चुके हैं ठीक है, और इमिग्रेशन में हम 2 घंटे ऐसे ही खड़े रह गए, और वो 2 घंटे के बीच में मैंने ये पहना था तो मेरी इधर नाक क्या देख सकते हो, इसकी मतलब इधर छाप बैठ गई यार, पता नहीं कब पहुंचेंगे यार कसम से यार। पहले बेटी चला मोटी लाल बात, हेलो 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 दाई, देख सकते हो आप लोग रात के 12 बज चुके और बस अभी अब टेक ऑफ होने वाले हमारी फ्लाइट, 11:15 की फ्लाइट थी, अब रात की 12 बजे स्टार्ट हुई यार। साता समुद्र पारी तिमी, साता समुद्र पारी मा, हाता समाय संगसंगै तिम्रो। गाइस फाइनली हम पहुंच गए ठीक है इधर, और इधर सामान वामान लेने के लिए इधर जानी अब, तो बस अब सामान वामान लेंगे उसका टैक्सी पकड़ेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता ना अब टैक्सी लेनी है, टैक्सी ले टैक्सी में उसके घर जानी है सीधा इधर से, पता नहीं सो रही होगी या क्या कर रही होगी यार। सो गाइस हमने टैक्सी ली सकेको छ है यता छ डन ब्रदर, यू हैव द लोकेशन या सर, हाम्रो दिदी आन्टीले समातेर हैन जादै छन्। अनि दाजुमा कस्तो आयो त आन्टी, राम्रो राम छ र रामी जी अलि जोंदा नि चलो चलते अब, सरप्राइज की टाइम आ रही है मुट्टू की, यू गट इट ओके। सो गाइस दीदी को मतलब है 2 घंटे लग गए है ठीक है, कि हमारी उधर अलजे के घर के लोकेशन ढूंढने में, तो मस्त चूना लगने वाली है गाइस टैक्सी में, क्योंकि देखो अभी फिर से एक दरम बढ़ गई अभी के अभी, चलो देखते हैं यार। फाइनली पहुंच चुके यार, हम तो रास्ते भूल गए यार कसम से यार, और 126 दरम आ गई यार कसम से पैसे घूम घूम के, तो फाइनली पहुंच गए। हजुमा ने पहचाना यार घर तो है ना हजुमा। चलो गाइस अब पेमेंट करके आप लोग को एक स्पेशल बहुत जरूरी बात कहूंगा कि कैसे हम मोटू को बाहर बुलाएंगे और प्रैंक करने वाले, मतलब सरप्राइज देने वाली है। आवर सिस्टर विल हेल्प अस टू कॉल हर आउट या ओके। सो गाइस वो कॉल कर रहे ठीक है अलजे को, कॉल लग रही कॉल लग रही, टर्न ऑन द वॉल्यूम ओके प्लीज। सो गाइस हेलो ओके हेलो हेलो मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग मदर, आई एम हियर टू डिलीवर फॉर यू, आई हैव योर फ्लावर्स एंड सम पैकेज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर गेट, कैन यू कम आउट नाउ नाउ, can you come out if you don't mind, you can come with another person if you how do you know my location? Okay. That's why I'm saying that someone sent me, please try to hurry up okay. Hajma te basne e basne te basne okay ये रहे हमारी टैक्सी में हजुरमा दादी बैठी है और मोटी आ रही है, पूछती है कौन भेजा क्यों भेजा किसने दिया मेरी लोकेशन, पागल गिफ्ट आई है तो चुपचाप आने का बाहर और लेने का यार, इतना बड़ा गिफ्ट आई है पता नहीं कहाँ चले गए यार अभी तक, मुख छुप लो हजुरमा मुख छुप लो, यस
ऐसा सरप्राइज तो कभी नहीं दिया अभी तक मैंने। हेलो अरे अरे पागल क्या हुआ ले क्या हुआ दादी भी आई है उधर मिलोगे नहीं अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी मेरी मम्मी आपकी दोस्त भी आई है दादी अल्लाह मेरी ईद हो गई कसम से इतना मेहनत की है कसम से रात के आज टिकट मिलेगी ओह माय गॉड अरे रो क्यों रही पागल क्या हो गई रो क्यों रही मोटी गेंडी अरे तो पतली हो गई है सच्चे आज ना पतली हो गई कहा था ना कितनी प्यारी हो गई मुझे यकीन नहीं आ रहा ओ मेरे हाथ कांप रहे आज ना मैं कितनी प्यारी लगी ओह माय गॉड कहाँ का घुमा है कैसे अल्लाह मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं तो हाथ कांप रहे हैं देखो मैंने गाइस फाइनली ये और अबू आज रामा देखो गाइस यार इसको देखो गाइस यार ये मोटे को ये और इसमा को देखो यार इसमा भी जेम की तरह सो गाइस मस्त आ गए यार इधर सबको सरप्राइज कर दिया ठीक है बहुत मजा आई आज सब लोग अभी मतलब इधर प्रेयर करने के लिए और इसे लोग सब लोग रेडी वेडी हो रहे ठीक है क्योंकि उनकी प्रेयर करने की टाइम हो रही है दादी की बिल्ली बहुत पसंद आई बोल रही है जेम की तरह है नेपाल की पूछ देखो इसकी पूछ ये तो सेम है अलजी रेल प्रेयर जान लागू सर तो प्रेयर से अलजी लोग जब आएंगे तो उसके बाद मिलेंगे आप लोगों को सही है सगे शेर फरमाए ठीक है जब ईद वगैरह होती है तो हम ये मीठे के तौर पे बनाते हैं और खाते हैं तो इट्स लाइक कि हाँ ईद है ओके ईद पे बनती है ये सही में दशहरे में सेलिब्रिटी बनते ना गाइस तो ऐसे ही ईद में ये बनते हैं शेर फरमाए शीर खोरमा सिर्फ खोरमा इधर बन रही है तो ये तो आइसक्रीम की तरह कैसे बनती है दूध से बनती है और सेवैया होती है ओके 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 टेस्ट करो और ट्राई करो और बस टेस्ट करके आप लोगों को बताएंगे सही है मैं आपको खिला सकती हूं खिला लो खिला लो कैसा मीठा होता है ना और अच्छा लगता है क्या बोलते हैं इसको यार कैसा किसका खीर बर्फी की तरह बहुत टेस्टी है यार कसम से ये बहुत टेस्टी है मुझे बहुत अच्छी लगी आपने बनाई है ना मम्मी ये जी मैंने बनाई और तुमने क्या बनाई कुछ भी नहीं ये पिज्जा खाओगे नहीं 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 तो एक बार खा रहे हैं इधर तो खुद को कितनी डालती है दूसरे को कितनी डालती है मुर्गी अरे बेवली वायर बसीरा के सब चलो सो गाइस अभी मैं मस्त रेडी वेडी हो चुका हूँ ठीक है इधर सलवार वाला जो अलीजल ईदी में भेजी थी ना मुझे वही कपड़े पहन के देख सकते हैं आप लोग तो अभी टिकटॉक वीडियो बनानी है हमें तो इसलिए मैं पूरा रेडी होके बैठा हूँ अभी तो चलो गाइस मोटू भी रेडी हो रही है और बोल रही है कि मतलब सरप्राइज डे से मैं नहीं दिखाऊंगी इधर उधर झरना फूले फूले गाइस ये देखो यार ये इधर देखो डायमंड को अरे इधर देखो पीतल को अरे एक रेडी होगी पूरा चमक रहे अरे एक नहाया भी नहीं एक नहीं इधर ईद है भाई नहा लो यार थोड़ी यार ईद के टाइम में इधर इंसान मतलब कभी मतलब हफ्ते महीने में नहीं नहाने वाला है आज नहा के इधर इतना हीरो होके बैठा है हम दोनों इतना चमक रहे अरे इज्जू यार कितना यार अलछी हुआ यार तो तुम्हें क्या चाहिए ईदी चाहिए तो गाइस उसको ईदी चाहिए बोल रही है तो जो मैंने ईदी के लिए उसके लिए कुछ लेके आया वो लेके आता सही रुको ना रुको ये रही ईदी ठीक है उसकी चलो
ये लो दी, ये दी लो। ओके। रिएक्शन देखो गाइस, जैसे देते रिएक्शन। ओह माय गॉड। वाओ। देखो वो नहीं राजकुमारियों की तरह खुद चूज किया था। हाँ तो कौन है, मेरे ब्लॉग नहीं देखती तुम? नहीं टाइम अरे यार कितने प्यारे दोनों, बहुत प्यारे हैं। वेलकम। दोनों बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। तो गाइस मैं इधर ऐसे बैठा हूँ, ठीक है? हमारे डायरेक्टर साहब इधर है, कैमरामैन साहब इधर है, और हमारे क्या बोलते हैं लाइट मैन इधर है, पर फ्लावर मैन। और पता नहीं यार इधर क्या क्या करा रहे हैं, इतने मतलब 30 डिग्री सेल्सियस की धूप में यार खुद को मतलब पंखे में रखी है और मुझे इधर मतलब ऐसे लेट गया। क्या पास से आओ इस तरफ, अच्छी पक रही है मेरे साथ। ये तो मेरे पास आया है, मैंने पोर्ट्रेट से ही लोगों ने बड़े वाले कैमरे से लिए। अब्दुल वासी ऐसे जो आयुष इस तरह ऐसे तरह हाथ दो, नहीं जान ऐसे नहीं वाला। ओके अब्दुल वासी कैसा है? कोई देखना है तो बोलना। आयुष इस तरीके से बैठो, आप अपना एक पैर करो जान। ओ ये डिजाइन है, मतलब तुम ऐसे सोगी इधर? हां फूल फेंकना है। हाँ जी फूल फेंकना, मेक श्योर कि हम पे गिरे। सबर नहीं हो रही जल्दी। ओके एक्शन। अरे आज क्या कर रहे यार, इस ये फ्लावर मैन के मुंह पे मारो। ये कपड़े तो का अभी नहीं, अभी नहीं, रेडी रेडी होने दो। और इसमें ज्यादा फेंकना कि इतने तेज से नहीं। ओके लेकर पहले देखो। हाँ पहले नहीं, क्या पता मैं ऐसे ऐसे ज्यादा अच्छा। क्या चलेगी मशीन तो दिखा दो, कैसे है क्वेश्चन हमारी। फोटो खिंचाओ गाइस अपनी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, ऐसे ऐसे पोजेस में। हाँ रुको इस बार, इस आयुष ठीक से बैठानी है। पापा कर सकते हो, चलो गाइस फोटो वोटो क्लिक करके मिलते हैं। तो ये लड़के की यार बस अभी भी खत्म हुई है गाइस, यार इतनी धूप थी बाहर, पसीने देख लो। और इसकी ये लड़की नखरे अभी तक खत्म नहीं है, नखरे वाली पंखा भी एसी भी क्या मतलब, मुझे सर्दी लगा के भेज गया ने लड़की ने। अरे नहीं जान अभी तक खुला है, इससे खुला ही नहीं था ना। हाँ इसलिए तो चलो गाइस अब टिकटॉक बनानी मेरी लास्ट ईद की, क्योंकि ईद के दिन में स्पेशल एक टिकटॉक तो बनानी पड़ेगी ना, तो उसके बाद खत्म। सो गाइस बस टिकटॉक वीडियो बना के उसके बाद मैं तो सो गया, ठीक है रेस्ट किया मैंने तो, क्योंकि जब से नेपाल से आया हूँ तब से मतलब सोया ही नहीं हूँ ना, फ्लाइट में सोया था। उसके बाद कंटिन्यूसली इधर उधर इधर उधर, कभी नाटक की टिकटॉक, कभी क्या कभी क्या। और अभी बच्ची खुश है, ठीक है, नहीं तो टिकटॉक बना बना के मेरी चांद नहीं आई, चांद नहीं आई बोल बोल के रो रो के इधर परेशान हो गई थी। ऐसी वो वीडियोस थी आपकी नहीं थी? ऐसी होती है। तो अभी हम लाइव जा रहे हैं, लाइव भी नाटक नहीं इधर जाने बोल रही है, तो इधर यार खुली आसमानों के नीचे आज लाइव जाने वाले पहली बार। चलो सही है, बच्चे की ये ख्वाहिश भी पूरा कर देते। आपकी नहीं है? आपकी नहीं है? नहीं। मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? ये देश मैंने दिया हूँ मोटू को, ईदी। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और मोटू खुश है? नहीं बहुत खुश है तुमने, मैंने आपको हग नहीं किया था, वो मुझे वो भी नहीं करना था। गाइस देखा ना मैंने बोला था ना जब मैं जाऊंगा तो चुम्मा दोगी, बोला था या नहीं मैंने उसको? हाँ बोल रही थी इसने। कहाँ है यार? इधर नहीं। अरे नहीं एक चुम्मा दे दो जल्दी, फिर से नेपाल चला जाऊंगा अभी। अरे ये क्या है, ये कौन सी चुम्मा दे? दिया है। देखो गाइस जैसी बात करती यार, बच्ची को छोड़ो यार, बच्ची को छोड़ो, रोक के बैठी थी थोड़ी सी, अभी मना रहा हूँ मैं। एक बात सुनो, आप तो चुम्मे क्यों इधर आए हो? आज के लिए बस इतना ही, रेस्ट की भी कमी है शरीर में, ब्लॉग लो एडिट करनी है और मोटू की भी ब्लॉग एडिट करनी होगी ना, तभी बस लाइव करेंगे हम जल्दी जल्दी, लाइव करके उसके बाद ब्लॉग एडिट करेंगे। शायद आज सब लोग जल्दी सो जाएंगे, अजमत सो भी गई है बहुत जल्दी बेचारी, अजमत बहुत थकी हुई थी। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और कल हम कहाँ जाएंगे बेटू? कल हम फुजैरा जाएंगे इंशाल्लाह, कल ईद मनाएंगे ना। हाँ ईद मनाएंगे, आज बस अपने टाइम दिया ना। हाँ, तो कल ईद मनाएंगे, ठीक है साथ में हमारी अच्छी तरीके से, तो पर से आप लोग को देखने को मिलेगी। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय। मेरी ईदी कहाँ है? ईदी मेरी तो, मैंने तो ईदी दे दी ना, पर से मैं भी इधर आया। क्या दी? भूल गए एक बार फिर से दोनों। अरे
पागल। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी हुई थी। ये अलीज और आयुष जो है वो मंगेतर हैं, मतलब एक दूसरे से इनकी मंगनी हुई है कुछ टाइम पहले। अलीज जमाली जो है वो पाकिस्तानी है, बट इनकी सारी फैमिली जो है वो दुबई में शिफ्ट हो गई है, दुबई में रहते हैं ये लोग। जबकि अगर हम आयुष की बात करें तो आयुष भी नेपाल का है और नेपाल के अंदर ही रहता है। अच्छा, आयुष के बारे में बात करूँ और अलीजा के बारे में बात करूँ तो देखिए दोनों टिकटॉकर थे, टिकटॉक से भी आहिस्ता आहिस्ता से ये लोग यूट्यूब की तरफ आए और अब यूट्यूब के ऊपर भी अच्छे खासे इनके सब्सक्राइबर है और अच्छे व्लॉग्स ये लोग बनाते हैं। अब आयुष जो था वो नेपाल से फ्लाइट लेके दुबई गया और दुबई में पहले से ही जो सारी शॉपिंग वगैरह और सारी चीजें कर ली दुबई के अंदर और कुछ वहां पे। अच्छा, फैमिली के साथ था, फैमिली को उनको सरप्राइज देना था कि भाई, और उनको बताया भी नहीं था कि भाई हम नेपाल से जो है वो दुबई आ रहे और आपको सरप्राइज देंगे या ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि सरप्राइज फिर खराब हो जाएगा। आयुष जो है वो फिर यहां से चले गए वहां पे, खास करके ये ईदी देने के लिए गए थे। आयुष और अलीजा जो है वो दोनों मंगेतर है, दोनों टिकटॉक्स वगैरह अभी भी बनाते हैं, यूट्यूब पे ये काफी वायरल है। पाकिस्तानी अवाम और नेपाल की अवाम इन दोनों को काफी लाइक करते हैं, काफी लोग जो है वो नेपाल से भी देखते हैं और काफी लोग जो है वो इंडिया से भी देखते हैं, तो इस चीज में हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है। अब आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके से उसको सरप्राइज किया और वो काफी खुश हो गई, खास करके अब ये जो है वो मंगेतर है तो मंगेतर को सरप्राइज करना अच्छी बात है ना, अब ये सरप्राइज किया है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ये लोग ईद मना रहे हैं। अब सबको पता है कि ईद अभी 3-4 दिन पहले ही गुजरी है और मैं बिजी होने की वजह से वीडियोज पर रिएक्ट नहीं कर पाया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि किस तरीके से एक गैर मुस्लिम जो मुस्लिम मुसलमान ही है, खास करके जो है मुसलमान तो है नहीं, तो किस तरीके से वो अलीजा को जो है ईद के मौके के ऊपर सरप्राइज कर रहा है, उसको ईदी दे रहा है और वहां पे ईद पे भी जो है वो उनके लिए वीडियोस वगैरह बना रहे थे, टिकटॉक वगैरह फैमिली के साथ लोग खाना खा के बैठ रहे। तो बात यहाँ पे ये है कि भाई इनका रिलेशनशिप काफी अच्छा चला, जब नेपाल इन्होंने मंगनी वगैरह की फिर देन अभी जो है वो शादी भी शायद हो सकती है काफी कुछ अरसे के अंदर, बट ये कंफर्म नहीं है कि शादी कब होनी है। अगर आप लोगों ने इनका व्लॉग देखा, आप लोगों को देखा कि किस तरीके से जो है वो अलीजा जमाली और आयुष एक दूसरे से मिले, अलीजा जमाली काफी खुश हुई, जाहिर सी बात इनका मंगेतर है तो जब नेपाल से इतनी दूर से अगर वो इनसे मिलने के लिए और सरप्राइज करने के लिए आया है तो अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।